गुड आफ्टरनून सर। है ना। तो कल तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको, और कुछ क्वेश्चन सेंड भी किए थे। जो क्वेश्चन मैं सेंड करूँ उसको सॉल्व जरूर किया करो, और आंसर मेरे से पूछ लिया करो कि कौन सा आंसर सही है ना। तो वो जरूर से किया करो, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो उस चैप्टर को जानने के लिए जरूरी होते हैं। तो बहुत सारे तो मैं क्लास में करवा देता हूँ, तो जैसे क्लास में मान लो नहीं भी हो पा रहे हैं तो उसको आप खुद से जरूर अटेम्प्ट किया, है ना। वो उस टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिससे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, है ना। ऑल मतलब एंड ऑफ द डे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही आपके काम आती है ना। ये नहीं मैटर करता है कि आपने कितने हजार क्वेश्चंस किए हैं या कितने किए हैं, जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो अच्छे होंगे, है ना। उसमें कंसेप्ट कुछ आपको गेन होना चाहिए तो उससे फायदा होता है ना। और जैसे अभी हम पूरा सिलेबस करेंगे, है ना, क्योंकि इस बार भी क्या हुआ ना, बच्चे थोड़े से गलतफहमी में थे इस बार जो 12th में है, और जो अभी जेई देने वाले हैं उनको लगता था ना कि जेई भी रिड्यूस सिलेबस में ही होगा या नीट भी रिड्यूस सिलेबस से ही होगा। जैसे बोर्ड रिड्यूस सिलेबस से हो रहा है वैसे जेई और नीट भी होगा, लेकिन आपको पता है कि मिनिस्टर का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं कि जेई और नीट का सिलेबस में कोई चेंज नहीं, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है ना। आपके टाइम में तो होगा ही नहीं, इनफैक्ट आपके टाइम तक तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो आपको तो सोचना ही नहीं, आपको पूरी चीजें पढ़नी है ना। तो वही मैंने कल भी बताया था कि पहले मैं इधर से मॉड्यूल 3 कंप्लीट करवाऊंगा। मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीट है ही, और मॉड्यूल 2 आपका दूसरे ट्रैक में चल रहा है, वो भी कंप्लीशन की तरफ जाएगा। फिर आई विल टेक द रिविजन ऑफ मॉड्यूल, है ना। तो उसमें भी थोड़ी बहुत अगर जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स होंगी वो रेक्टिफाई हो जाएगी, है ना। देखते हैं आपका आपका एग्जाम वगैरह का भी शेड्यूल आ गया होगा, है ना, कि भाई एग्जामिनेशन आपके कब से हैं, वो आपसे वैशाली मैम ले लेंगी अपडेट, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे, है ना। तो मतलब कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें करने की। वैसे स्कूल के एग्जामिनेशन में पता है मुझे कितना ज्यादा सिलेबस हर बार आएगा नहीं, है ना, वो तो रिड्यूस सिलेबस से ही होगा आपके स्कूल के एग्जामिनेशन, तो उसमें उतनी ज्यादा इस बार दिक्कत नहीं। चलो सर आप प्लानर तो भेज दीजिएगा, क्या चीज, सर प्लानर, क्या चीज भेज दूंगा। सर अच्छा प्लानर, 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 हाँ प्लानर भेज देता हूँ मैं, प्लानर भेज देता है ना। प्लानर आई विल सेंड, मतलब मैं नहीं भेजूंगा, मैं आई विल सेंड टेल वैशाली मैम, वो भेज देंगे, है ना, कि कैसे कैसे आपके टेस्ट की प्लानिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। मेनली मेजर टेस्ट जो है वो 15 फरवरी के अराउंड होने वाला है ना, कि मेजर टेस्ट जो है 15 फरवरी के अराउंड आपका मेजर टेस्ट, बीच में अगर कोई TWTs होते हैं, जैसे कल भी आपका एक TWTs है, तो आप जो TWT लेंगे ना वो आपके मॉड्यूल 3 बेस्ड भी होंगे, है ना। जैसे मैंने अभी थर्मल प्रॉपर्टीज लिया है, इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होगा, है ना, उसके बाद हम ग्रेविटेशन पे आ जाएंगे, है ना। इस तरह से जो चैप्टर्स हुए हैं ना उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स का तो बहुत TWT अभी, उसमें आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर जो, है ना। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। वी स्टार्ट विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते सर हैं। आप बताओ, सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चन भी फ्लूड मैकेनिक्स में ही है या फिर वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के क्वेश्चंस जो है, नहीं वो फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं, वो अलग, वो अलग सर मॉड्यूल में कह रहा था मैं उसको मॉड्यूल में मैकेनिक्स हो सकता है, एग्जांपल एक मॉड्यूल में हो सकता है, एग्जांपल है ना। मॉडल में हो सकता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैं एक बार देख के बता दूंगा, तो एच सी आपको पता वर्मा सबसे चल अलग जाएगा। चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हाँ इससे और मैं लेक्चर पे, लेकिन मॉडल में मेरे ख्याल से फ्लूइड के साथ ही है ना, आप चेक कर लेना उसे, है ना। चल आपको मॉड्यूल करना है, मैंने बार बार एक चीज बोलता हूँ कि भाई दो चीजें आपकी टॉप प्रायोरिटी पे हैं, एक तो मॉड्यूल है ना, और दूसरा बेसिकली आपका एनसीआर, ये दोनों चीजें सबसे पहले कंप्लीट करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज वन गर्ल, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, श्रेया नाम की थी, श्रेया अरोड़ा, उसने सिर्फ मॉड्यूल करके विद इन 500 रैंक गेन की, IIT दिल्ली में पढ़ती है कंप्यूटर साइंस, सिर्फ मॉड्यूल उसने किया, है एनसीईआरटी ना। की है दूसरा हाँ मतलब एनसीआरटी तो स्कूल के पर्पज से वो करती थी, लेकिन मेन जो चीज था उसका फोकस कि पूरा मॉड्यूल उसका अच्छे से, है ना। तो मतलब उसके विद इन 500 रैंक है ना, और चूंकि गर्ल थी इसलिए कंप्यूटर साइंस भी उसको डायरेक्टेड है ना, गर्ल का कुछ कोटा होता है ना। तो मॉड्यूल
बहुत बढ़िया एक चीज आप मतलब जो भी चीज आप ले रहे हो मतलब मेरे बोला नहीं कि मॉड्यूल, मैं मॉड्यूल बोलता हूँ, कोई सोचता है कि मुझे एस सी वर्मा करना है तो पूरी एस सी वर्मा कंप्लीट करो बच्चे, कोई भी एक सिंगल सोर्स लेके उसको कंप्लीट करो, है ना, कि सिंगल सोर्स लेके उसको कंप्लीट करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर कि बहुत सारे सोर्सेस तुम रिफर करें, है ना, एक सिंगल सोर्स को कंप्लीशन इज द इम्पोर्टेंट, वो करना है मॉड्यूल वगैरह आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक डिफरेंट टाइप का मोशन आ गया, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, है ना, कि भाई ये जो चीज होती है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, है ना, कि ऑसिलेशन का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए वी कॉल एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन से बोलते हैं बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, है ना। तो हमें समझते हैं कि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जो मोशन डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं पीरियोडिक मोशन, ऐसा कौन सा मोशन जो कि पीरियोडिक हो, ये सबसे पहले जो हम डिफाइन करते हैं वे डिफाइन द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हम जानते हैं कि ऐसा मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है, कि पीरियोडिक मोशन की सिंपल से डेफिनेशन हो जाएगी कि विच रिपीट इटसेल्फ, है ना, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ऐसे कोई मोशन अपने रेगुलर इंटरवल में जब अपने आप को रिपीट करता है उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, लाइक सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, है ना, सैटेलाइट का जो मोशन है वो भी पीरियोडिक है, एक रिवॉल्यूशन उसके कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। पीरियोडिक का ही स्पेशल केस हो गया, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन, है ना, कि पीरियोडिक का एक स्पेशल केस हो गया वी कॉल एज ए ऑसिलेशन, है ना, यहाँ पे पीरियोडिक का ही एक स्पेशल केस जो हम बोलते हैं वी विल कॉल इट द ऑसिलेशन, है ना। तो सिंपल सा कि जब हम पीरियोडिक से ऑसिलेशन की तरफ जाएंगे तो इसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करेगा, पीरियोडिक तो हो गई ही, है ना, कि पार्टिकल इज इन टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अलोंग सेम पाथ, टू एंड फ्रो मोशन अलोंग सेम पाथ, मोशन अलोंग सेम पाथ, जब भी सेम पाथ के अलोंग पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो पीरियोडिक में अगर टू एंड फ्रो टाइप की चीज आ गई तो ऑसिलेशन हो गया। ऑसिलेशन का ही स्पेशल केस सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन से ही आपका फर्दर जो मोशन आएगा वो आपका आ जाएगा एसएच, है ना, इसी ऑसिलेशन से क्या आ जाएगा जैसे आपका एसएच, है ना, कि बेसिकली ऑसिलेशंस का ही जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या होता है जैसे आपका एसएचएम। तो सबसे पहले हम एसएचएम को डिफाइन करेंगे कि भाई किसी भी चीज को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कब हम बोल रहे हैं, भाई ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब हो, तो सिंपल से हम बोलेंगे एसएचएम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ ए पीरियडिक मोशन, स्पेशल काइंड ऑफ ए पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन राइट विच इज ऑसिलेटरी एज वेल, विच इज ऑसिलेटरी एज वेल, ऑसिलेटरी भी है एज वेल, इन विच, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, restoring force is always directed towards, always directed towards mean position, towards mean position, a restoring force is always directed towards the mean position and directly proportional to, है ना, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, मीन पोजिशन, ये आपका आंसर है।
है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ पीरियडिक मोशन व्हिच इज ऑसिलेटरी एज वेल एज इन व्हिच रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये होता है ना, मतलब कोई भी चीज SHM होगी तो पीरियडिक तो होगी, ऑसिलेटरी भी होगी, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होगा। उसके अलावा ये चीज है कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जिसकी वजह से वापस वो वापस आता है हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, है ना। इसका मतलब जब भी कोई चीज SHM परफॉर्म करेगा तो सबसे पहली चीज हो जाएगी इसकी मेन पोजीशन, मेन या इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही बात होती है, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसी के अबाउट ऑसिलेशन होता है ना, इसी के अबाउट कोई पार्टिकल जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन, है ना, इस दोनों बाउंड्रीज के बीच में ये आपका प्लस ए हो गया और ये आपका माइनस ए, ये एम्पलीट्यूड हो गया, इसी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल जो है, इसी के बीच में क्या परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि आपका ऑसिलेशन, कोई पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, मेन पोजीशन में भी हो सकता है और एक्सट्रीम में भी हो सकता है, तो इस तरह से जब ऑसिलेट करेगा तो इसी बात बोलेंगे ऑसिलेशन। क्यों, वही चीज है कि पार्टिकल कहीं पे भी हो, सपोज पार्टिकल यहाँ पे है, अगर इसकी यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट कोई एक्स है, है ना, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा हमेशा मेन पोजीशन पे, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो इधर जा रहा होगा, हो सकता पार्टिकल मोशन इस तरह हो रहा होगा लेकिन फोर्स इस तरह भी एक्ट करेगा, मान लो पार्टिकल यहाँ पे भी आ गया, है ना, और इस तरफ मान लो मूव कर रहा है तो भी फोर्स जो होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो SHM में इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा किस तरह एक्ट करता है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और इसकी जो वैल्यू होती है ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उससे फोर्स जो होगा क्या होगा, जैसे कि आपका डायरेक्टली पोर्शन, तो ये आपका जो है इसी चीज को हम बोल रहे हैं मीन पोजीशन, है ना, कि ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी आपकी मीन पोजीशन, है ना, कि जो फोर्स होगा वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, जैसे कि आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, है ना। तो ये SHM की कंडीशन है, स्पेशल काइंड ऑफ पीरियडिक जो कि ऑसिलेटरी तो है, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन है, मीन जिसमें कि फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना, ये इसकी मेन डेफिनेशन है, राइट। तो इसके बाद पहला सर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो टाइप का मोशन को ऑसिलेटरी बोलते हैं, है ना, कि टू एंड फ्रो टाइप का जो मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ऑसिलेटरी, कैमरा बंद हो गया अभी कर रहे हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपके ऑसिलेटरी, सो पीरियोडिक मोशन का ही काइंड है, हां द पीरियोडिक मोशन का ही काइंड ऑसिलेटरी, बाय पीरियोडिक मोशन तो सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन को हम ऑसिलेटरी नहीं बोलते, जब एक ही पाथ में कोई चीज आगे पीछे जाती है, है ना, जैसे सिलेंडर पिस्टन का मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी, तो एवरी ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक, लेकिन एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। सर जो पेंडुलम का मोशन होता है वो SHM नहीं होता, वो भी SHM होता है, ऑसिलेटरी होता है वो भी। तो सर SHM और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है, जैसे ये कोई जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी मोशन, ये कंडीशन फुलफिल इज नॉट नेसेसरी, मतलब कोई भी मोशन जब वो ऑसिलेटरी होगा और इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब हम उसको, अगर वो ऑसिलेटरी है और इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको बेसिकली आपको SHM, मैंने अंडरलाइन वो फॉलो होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे ऑसिलेटरी मोशन अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस तरह से आपका
भाई ऑसिलेटरी मोशन के लिए मैं जस्ट ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से आता है कि भाई जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है वो SHM परफॉर्म करता है ना, कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है वो क्या परफॉर्म करता है, जैसे कि आपका SHM है ना, कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ। वैसे तो ये चीज बाद में आएगी, बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि देयर इज टू वॉल्स, ये दो वॉल है ना, और इस वॉल के बीच में हम एक ब्लॉक को क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, एम मास का ब्लॉक है, और इसको 20 स्पीड से प्रोजेक्ट कर देते हैं। आपने 20 स्पीड से प्रोजेक्ट किया और तो जाके आपका ये क्या होगा, यहाँ से स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद अगर हम एनर्जी लॉस नहीं, कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये वापस आएगा सेम 20 से क्या होगा, जब आपका रिबाउंड होकर वापस आएगा और फिर से कोलाइड करेगा, फिर से ऐसे जाएगा, है ना। तो इस तरह से मूव करता रहेगा भाई, 20 से अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये बेसिकली आपको इस तरह से इसके बीच में मूव करेगा। तो आपसे कि अगर मैं कोई भी इस तरह से सेम पाथ में ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ऑसिलेशन। ये जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी है, नॉट SHM। ऑसिलेटरी तो है लेकिन SHM नहीं, इससे SHM नहीं है क्योंकि SHM में तो वेलोसिटी चेंज होगी ना, फोर्स लगेगा, इसमें तो फोर्स तो कोई है ही नहीं। ये V से कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, फिर स्ट्राइक करके फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आ गया, फिर स्ट्राइक करके फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं थी, कोई फोर्स नाम की चीज तो है ही नहीं, है ना भाई, ये कोई भी पोजिशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि हमेशा इसकी वी तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी। इसी में अगर हम ऐसा कर लें कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लें, If we take the spring block system, spring block system, भाई एक स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को अटैच कर दिया, आप समझ लो कि आपने इस तरह से स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग से आपने ब्लॉक को अटैच कर दिया, और ये इसकी मेन पोजिशन है, अभी स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, है ना, और आपने क्या किया, इसको पुल कर दिया किसी प्लस ए तक, ऐसे खींचा किसी प्लस ए तक और छोड़ दिया, तो आपको पता है ये इस तरह से प्लस ए से वापस फिर यहाँ पे आएगा और फिर ये यहाँ पे माइनस ए तक जाएगा, है ना। तो मतलब ये इसके बीच में प्लस ए से लेके माइनस ए के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना, ये भी मोशन ऑसिलेशन है, ये भी मोशन ऑसिलेशन, लेकिन अब हम देखेंगे ये ऑसिलेशन SHM पर ही है। तो उसके लिए मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं कि मान लो ये मेन पोजीशन से ब्लॉक कहीं यहाँ एक्स पे है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, जैसे कि आपका एक्स, तो कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, स्प्रिंग फोर्स, हाँ स्प्रिंग फोर्स, और इस पे अगर एक्स राइटवर्ड है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्टवर्ड एक्ट करेगा ना, कि एक्स, मान लो ये इधर भी होता कहीं पे तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ एक्ट करता, तो हमेशा देखो एक स्प्रिंग फोर्स मेन पोजिशन की तरफ लेगा ना इसके ऊपर, तो पहली कंडीशन फुल हो गई कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, क्योंकि जो भी स्प्रिंग फोर्स है उसमें k तो कांस्टेंट होता है, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अगर kx है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, तो इसने किसी कंडीशन को फुलफिल कर लिया, वैसे कि आपकी SHM है ना, कि किसी कंडीशन को फुलफिल कर लिया, वैसे कि आपकी SHM, हम सिंपल से बोलेंगे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है ये ऑसिलेशन तो है ही, ऑसिलेटरी एंड SHM भी है, सिंपल आर्मिक मोशन, हर ऑसिलेटरी मोशन SHM में कुछ नहीं होता, जैसे SHM नहीं ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी है एज वेल एज SHM, क्योंकि SHM की कंडीशन को ये क्या कर रहा है, जैसे आपका ऑसिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया है, हाँ तो जब बॉल इस तरह से ऊपर नीचे जाएगी ऐसे, मान लो कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑसिलेशन है, तो जब भी सेम पाथ में टू एंड फ्रो मोशन होता है उसी का ऑसिलेशन, लेकिन हर ऑसिलेशन SHM और SHM के लिए ये दो कंडीशन को फुलफिल होना क्या है, जैसे आपकी सर, लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो मोशन है वो जरूरी थोड़ी ना है, वो पीरियोडिक हो, पीरियोडिक तो है ही, क्यों नहीं, जो भी पीरियोडिक होगा एक टाइम पीरियड के बाद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, Yes, इसको यहां से छोड़ेंगे तो एक टाइम के बाद वापस वहीं आ जाएगा, फिर एक टाइम पीरियड के बाद वहीं वापस आ जाएगा, तो अपने किसी भी एक पोजीशन को एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे, कहीं कोई फ्रिक्शन उक्शन नहीं है, ऑसिलेशन जब भी SHM होता है तो कोई
एनर्जी लॉस करने वाले फोर्सेस नहीं, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं हो, तो अपने आप को रिपीट करता रहेगा, तो ये फिर देख लीजिए है ना। ये आपका मोशन क्या है बेसिकली, आपका पीरियोडिक भी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कंडीशन फॉर एस एच एम को ऐसा लिखूंगा, तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, टुवर्ड्स द मेन पोजिशन भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं लिखूंगा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर, और एस एच एम भी दो तरह का होता है। SHM की दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर SHM, इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर SHM, जो अभी हम बात कर रहे थे। एक होता है एंगुलर SHM, ये क्या हो जाएगा एंगुलर SHM, तो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन वन बाय वन। पहला जो SHM होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर SHM, और दूसरा जो SHM होता है वो क्या होता है सर, आपका एंगुलर SHM। तो जो आपका लीनियर SHM होगा, लीनियर SHM में रिस्टोरिंग फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। लीनियर SHM को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि व्हाट इज द लीनियर SHM। हां, लीनियर SHM क्या होता है ना कि जब भी हम लीनियर SHM को इस तरह से डिफाइन करेंगे, हाँ दो तरह के SHM होंगे लीनियर, तो लीनियर SHM में क्या होगा, पार्टिकल इज इन टू एंड फ्रो मोशन, इज इन टू एंड फ्रो मोशन, है ना, अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको हम लीनियर SHM बोलते हैं। जो अभी तक हम बात कर रहे थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वे किसी स्प्रिंग के साथ अगर हम ब्लॉक अटैच कर दें तो इसका जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं लीनियर SHM। ऐसे आपका जो एंगुलर SHM, एंगुलर SHM में पार्टिकल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, मोशन अबाउट एन एक्सिस, About a given axis, particle जो to and fro motion perform करेगा, वो किसी axis के about करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका angular SHM, angular SHM में क्या हो जाएगा, इस तरह से आप किसी box को hang कर दोगे और किसी axis के about ये to and fro motion, तो जो simple pendulum का motion होता है कौन सा SHM होता है angular SHM, किसी axis के about ये क्या करेगा जैसे कि आपका इस तरह से to and fro motion, जब straight line के along होता है तो linear होता है, जब ये गिवन एक्सेस के अबाउट होता है तो उसमें क्या बोलते हैं एंगुलर SHM। तो पहले मैं लीनियर SHM पढ़ूंगा, जब हम एंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं लीनियर SHM की, बाकी दोनों में कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हो, तो ऐसे दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहले हम लीनियर SHM की बात करें। पार्टिकल इसमें जब लीनियर SHM परफॉर्म करेगा तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लीनियर SHM। तो जो लीनियर SHM होगा इसमें सबसे पहले कंडीशन आती है कि भाई पीरियोडिक और ऑसिलेशन के बाद क्या कंडीशन है, तो हम लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। अब ये माइनस का मतलब आप समझना, माइनस का मतलब है कि जो फोर्स लगेगा वो एक्स के अपोजिट होगा, जो नेगेटिव है इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट से कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर x राइटवर्ड है तो फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा, और अगर x लेफ्टवर्ड होगा तो फोर्स किस तरफ लगेगा, राइटवर्ड।
इसी वजह से मैं प्रोपोर्शन साइन यहां से हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगा दूंगा, यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा, हम लिख देंगे माइनस के इनटू एक्स, ये कांस्टेंट कोई स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, जनरल कांस्टेंट, प्रोपोर्शन साइन आया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी मैंने किया, स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वन बाय वन हम आ रहे हैं, पहले मैंने ये लिखा फिर ये लिख दिया, और फिर मैंने अगर आपसे ऐसा बोला कि इस ब्लॉक का मास सपोज एम, एक्सेलरेशन आ जाएगा है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास, यहां पे आ जाएगा माइनस के बाय एम इनटू एक्स है ना, यस आ गया, और भी ज्यादा जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, अगर फोर्स एक्स के अपोजिट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्स के अपोजिट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं कि ये जो टर्म है माइनस के बाई एम, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर तो आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये जो के बाई एम वाला टर्म है ना इसकी जगह मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा, और इस ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इज दिस ओमेगा इज सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी जैसी चीज होती है, इसकी भी जो यूनिट होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वो रेडियन पर सेकंड होती है, हां एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी क्या होती है रेडियन पर सेकंड, तो जब भी आप एसटीएम पे इक्वेशन इस फॉर्म में फाइनली लाना है तो जैसे आप इस फॉर्म में लाओगे ना तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ, और एक बार ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, भाई किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा है ना, टाइम पीरियड का मतलब समझना, कहीं से मैंने छोड़ दिया यहां से तो जिस टाइम के बाद वापस अपने इक्वेशन पे उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी जैसा टर्म ही होता है, तो सर्कुलर मोशन से अगर हम सिमिलैरिटी लेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाय 1, और अगर टाइम पीरियड आ गया तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एसएचएम की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम एफ, एफ अपॉन 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम आ जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई हर्ट्ज, तीन चीजें अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, टाइम पीरियड सेकंड में आएगा, और नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड जो होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हर्ट्ज, कि जो एसएचएम हो रहा है इसके नंबर ऑफ साइकिल कितने एक सेकंड को, है ना, तो कुछ भी निकालने आ सकता है, कई बार आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, कई बार टाइम पीरियड पूछते हैं, कई बार क्या पूछते हैं जैसे आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी पूछते हैं कि भाई एसएचएम की कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कि भाई एक साइज एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, तो हम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा लिखो, है ना, मेन चीज नहीं है इसे सारी चीज नहीं, हाँ मैं बताऊंगा इसको, है ना, कि के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया हमने, जस्ट रिप्लेस कर दिया डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर, डायमेंशनल एसेस को यूज करके आपने इसको रिप्लेस कर सर, बट ये ओमेगा स्क्वायर तो एंगुलर के लिए होगा ना, हाँ एंगुलर के लिए होगा सही था सर, लीनियर एसएचएम में क्या सर, यहाँ पे तो लीनियर एसएचएम हो रहा था तो एंगुलर लीनियर ही रहेगा, ये वेट करो अभी आप इसको समझ नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ कि है लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब जो होता है लिटरली अगर हम मीनिंग देखें कि भाई मतलब कितने साइकिल से इसका रेशियो होता है ना, मैं बताऊंगा उसको रेडियन क्यों वर्ड, अभी आप इसको समझ नहीं पाओ है ना, कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको एज इट इज, अभी आप इसको समझ नहीं पाओगे, जस्ट मैंने क्या किया कि जो के बाई एम टर्म आया ना उसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर और ओमेगा को एक नया नाम दे दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी आप समझ, वही लीनियर एसएचएम में क्यों आ रहा है जबकि इतना एंगुलर का टर्म, ये भी आप समझ जाओ, तो भी आप इसको लिख रहे हैं, मैं बताऊंगा इसको,
सर टाइम पीरियड आपने क्या बताया, वही उसी प्लेस पे कितनी कितने ठीक है टाइम गाइस, बाद बात आएगा? कि भाई किस इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा वो, हाँ टाइम आफ्टर विच इट रिपीट इटसेल्फ, जैसे आपने इसको यहाँ से छोड़ा तो जिस टाइम के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। वन साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है, आपने इसको यहाँ से छोड़ा, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करके यहाँ छोड़ दिया, तो ये जाके कितने टाइम में वहीं वापस आ, तो जिस इंटरवल के बाद अपनी पोजिशन को ये रिपीट करता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ साइकिल, एक साइकिल बोल देते हैं उसको। ये चीज समझ जाओगे आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम क्यों यूज करते हैं, अभी इसको समझा पाना पॉसिबल नहीं। हाँ मैं बताता हूँ क्या लिखा है मैंने, आफ्टर फ्रिक्वेंसी मैंने ये लिखा है, आफ्टर फ्रिक्वेंसी मैंने लिखा है वन बाई टाइम पीरियड, और वन अपॉन टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू पे आप कर दोगे, मैं टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल तो फ्रीक्वेंसी होता है हम जानते हैं, इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ओमेगा बाई टू पाई हो जाएगा, और इसकी यूनिट जो होती है एच जेड लिखा है, इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, है ना, हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को ये क्या बोलते हैं हर्ट्ज, भाई एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, जैसे मैंने इसको कंप्रेस करके छोड़ा तो मैं अगर बोलूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, 2 Hz, है ना, मतलब एक सेकंड में ये दो दो बार इस तरह से ऑसिलेट, दो साइकिल ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे कंप्लीट अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है वो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ओमेगा बाई टू पाई हर्ट्ज है ना, मैं बताऊंगा इसको ये ओमेगा क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसको हम रिलेट जब करेंगे ना सर्कुलर मोशन से मिल जाती है। अब हम आ जाते हैं कि भाई अगर ये एसएचएम हो रहा है इस तरह से लीनियर तो इसका इक्वेशन कैसा हो, कि भाई कोई भी मोशन होता है तो उसका इक्वेशन होता है, लाइक आपने पैराबोला का मोशन लिखा, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल का मोशन लिखा था तो प्रोजेक्टाइल के मोशन की इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी लिखी थी, कि भाई ये वाई और एक्स में इस तरह से उसमें क्या होगा रिलेशन होगा, है ना, तो वैसे यहाँ पे भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कोई भी अगर एसएचएम है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, वी यूज टू राइट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई मेन पोजीशन है ना, और ये इसका प्लस ए है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका माइनस ए है, इसके बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कि कोई पार्टिकल इसके बीच में क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, तो किसी भी टी टाइम पे अगर ये यहाँ पे है, किसी भी टी टाइम पे अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसके डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्स है ना, तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या, इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब ये हो गया कि एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या, जो हम कैलकुलस में पढ़ते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या, है ना, कि आपको ये निकालना है कि किसी भी टी टाइम पे अगर ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट में है तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम कैसा लिखेंगे, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना ये कंडीशन यूज करेंगे, तो भाई अगर SHM हो रहा है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस एक्सप्रेशन की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ही तो SHM होता है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसको इधर ले गए तो यहां से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो आ गए, तो ये जो इक्वेशन आती है ना इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, कि भाई ये जो इक्वेशन होती है वी कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम,
है ना, ये मैथ्स में आप प्लस में पढ़ोगे है ना, वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, जैसे मैंने ए की जगह पे डबल डेरिवेटिव लिख दिया और इसको इधर ले गए तो एक इक्वेशन आ गई है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसेंशियल है ना। ऑब्वियसली बात है कि जो भी किसी का सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वेशन ऑफ एसेंशियल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन ऑफ एसेंशियल। इसको मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करेंगे ना, अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसे क्योंकि अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉलेज नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज रखना, इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ना, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर इसका ये सॉल्यूशन होगा तो मतलब इस चीज को ये सेटिस्फाई करेगा। किसी भी इक्वेशन का अगर कोई चीज सॉल्यूशन आ रही है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है ना? तो हम जानते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एसएचएम का जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा इसका जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा इसको आप इस तरह से लिखते हैं, इस पूरी चीज को जब हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ एसएचएम की अगर हम बात करें कि भाई कोई भी अगर एसएचएम हो रहा है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम इस फॉर्म में होगा। हम लिखेंगे x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव है ना, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका a sin ओमेगा t प्लस फाइव है ना, कि भाई इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या होता है, जैसे आपके सॉल्यूशंस होते हैं, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं चेक करूंगा कि भाई अगर ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसमें एक्स की वैल्यू अगर मैं वहां पुट करूं तो वो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं, तो मैं पहले बाद में चेक करूंगा, पहले मैं इस टर्म्स का मतलब बताता हूँ क्या होता है, कि जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज हो रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो जो एक्स होता है ये तो अभी आपने पढ़ा ही कि भाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन एट टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन, मेन पोजिशन है ना एट टाइम टी, तो भाई किसी भी टी टाइम पे मेन पोजिशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स होता है, जैसे आपने यहां पे स्टॉप क्लॉक ले लिया कि भाई जहां पे ऑरिजिन पे था तो स्टॉप क्लॉक को जीरो ले लिया, तो किसी टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गए तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके पास एक्स होता है। ए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसमें ए टर्म यूज हुआ है दिस इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड, ये चीज क्या होती है, इसलिए आपकी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो आपका होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही मेन पोजिशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कि दोनों तरफ मैक्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम जहां तक जाकर वापस आएगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन पे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, इस एसएचएम पे ये एम्पलीट्यूड है ना। इसमें जो साइन के अंदर जो एंगल होता है, साइन के अंदर ये पूरा जो एंगल है इसको हम बोलते हैं फेस, फेस का मतलब भी एंगल ही होता है, साइन के अंदर पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका फेस और ओमेगा आप आपने लिखा ही, ओमेगा जो होता है दिस इज नोन एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्लास में सब समझ जाओगे आप, मैं एक्चुअली आज की क्लास में उसको बता पाना पॉसिबल नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो फाई होता है इस फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट, और फेज कांस्टेंट हाँ, कि पाई जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट हाँ, कि पाई आपका हो जाएगा इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट हाँ, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये डिनोट करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, पोजीशन ऑफ ये किस चीज को नोट करेगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो,
आप कहीं भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बोला कि t इज इक्वल टू जीरो पे जब आपने स्टॉप क्लॉक ऑन की थी पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो पे, अगर t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां पे था, x इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि आप स्टॉप क्लॉक कहीं भी ऑन कर सकते हैं, तो इसका इनिशियल फेस क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, जब टाइम जीरो है तो x की वैल्यू जीरो है, तो आप पुट करके देख लो, और टाइम जब जीरो होगा उस एक्सप्रेशन में तो x जीरो है, यहाँ पहले का a साइन आपका जीरो प्लस फाइव, टाइम जब आपने जीरो पुट किया तो x की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से आप देखो फाइव की वैल्यू क्या आएगी, साइन फाइव जीरो आ जाएगा, मीन्स फाइव की वैल्यू जीरो, मतलब टाइम जीरो पे अगर x की वैल्यू जीरो है तो उसका इनिशियल फेस जीरो होता है। लेकिन आपको अगर टाइम जीरो तो हम कहीं भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, एक्सट्रीम पे भी ले सकते हैं, मैंने बोला टाइम जीरो पे अगर x की वैल्यू जो है वो प्लस a, टाइम जीरो पे x की वैल्यू कितनी है जैसे आपकी प्लस a, तो जब मैं इनिशियल फेस निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x की वैल्यू a आ गई, टाइम जीरो था तो साइन फाइव आ गया, यहाँ साइन फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, वन, मीन्स फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव, मीन्स अगर t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू प्लस a है तो उसका इनिशियल फेस 5 बाय 2, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू अगर 0 है इनिशियल फेस 0, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब ये जो 5 है ना, अब देखो कि 5 अगर है तो सिर्फ नोट करता है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, जो आपने एसटीएम में टाइम इज इक्वल टू 0 लिया वो कहां मिल गया, उसके अकॉर्डिंग 5 क्या होगा चेंज, बराबर बात है, 5 अगर हम यहां पे 0 ले लें तो एक्सप्रेशन साइन रहेगा, अगर मैं फाइव यहाँ पे पाई बाई टू लूं तो कॉस पे टू, तो कभी एसएचएम की इक्वेशन साइन के फॉर्म में होगी, कभी ये कॉस के फॉर्म में, तो सब में किसका डिफरेंस होगा, इनिशियल फेस, सब में किसका डिफरेंस होगा, जैसे कि आपके इनिशियल फेस, सर क्या बताया आपने कॉस कैसे, अगर मैं यहाँ पे फाइव की वैल्यू पाई बाई टू पुट कर दूं तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, कई बार एसएचएम जो होता है वो साइन के फॉर्म में लिखा होता है, कई बार एसएचएम की इक्वेशन कॉस के फॉर्म में, सारा कुछ डिपेंड करता है कि इनिशियल फेस की वैल्यू होती है, तो वो तो ये हमने जस्ट ये जो एसएचएम की इक्वेशन थी इसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म हमने डिस्कस किया, एसएचएम की इक्वेशन की हमने क्या डिस्कस किया, इसलिए आपके डिफरेंट टर्म्स, एक्चुअली दो क्लास में पूरी तरह समझ में आता है ना, आज की क्लास में कुछ आपके पास मन में क्वेश्चंस रह जाएंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में वो आप उसको जान जाएंगे। ओके सर। अब हम चेक करना पड़ेगा ना, पहले तो आप चेक भी करोगे ना कि भाई एसएचएम की इक्वेशन है या नहीं है, तो कोई भी इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन तब होगी जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब ये है किसी का सोल्यूशन तो वो है कि भाई ये कोई इक्वेशन है उसका सोल्यूशन वो है, तो अगर वो सोल्यूशन तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, तो आपको अगर चेक करना है कि एसएचएम की इक्वेशन है या नहीं है तो आप इसको यहां पे पुट करो, x की वैल्यू आपने ले लिया a साइन ओमेगा t प्लस 5, तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा dx by dt, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा ना, इनसाइड आउटसाइड रूल से, यहां पे आ जाएगा ओमेगा a और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा डी टी स्क्वायर, ये आपका
एक्स अगर आपने ये लिया है तो इसका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, इसको आप यहाँ पुट करो और यहां से एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो ये जीरो आना चाहिए। इस पूरे टर्म को यहाँ पुट करके अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो आना चाहिए, मतलब ये जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, मतलब ये सही सोल्यूशन है ना, ये किस चीज की इक्वेशन हो जाएगी एस एच है ना, जीरो आ जाएगा। आप देखो डबल डेरिवेटिव वाला टर्म जो होगा वो माइनस है, और जब इसको प्रूव करेंगे तो सेम टर्म प्लस आ जाएगा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब ये एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एस एच एम, तो कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगी तभी वो इक्वेशन ऑफ द एसएचएम है ना, कि तभी वो किसकी इक्वेशन होगी एसएचएम। सर जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है वो हमने डबल डेल मतलब भव्य फेस का मतलब एंगल ही होता है, फेज एंड एंगल आर द सेम। हाँ बोलो बेटा। सर इक्वेशन ऑफ एसएचएम में हमने डबल डेरिवेटिव लेके क्योंकि हम वीडीवी बाय डीएक्स से नहीं कर सकते थे। वीडीवी बाय सर जो एक्सेलरेशन होती है किसी पार्टिकल की उसका मतलब वैसे भी कर सकते थे, एक ही बात है, मतलब ऑब्वियसली बात है जब हम कोई इक्वेशन लेंगे ना एक्स निकालना है ना, यहां पे सारे टर्म एक्स के टर्म्स में होने चाहिए, अभी तो x की वैल्यू आएगी, आपको मेन पर्पस x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को x के फॉर्म में, x के फॉर्म का मतलब हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा, मतलब x का डबल डेरिवेटिव ही ये होता है, बात एक ही चीज, क्योंकि x निकाला था इसलिए x के फॉर्म में था। इनिशियल फेस के बारे में भी और जानोगे है ना, अभी तो जस्ट मैंने एक एलिमेंट्री चीज बताई, भाई मैंने मतलब दो क्लास में ये आपको आए। तो बस अब जब भी आपको एसएचएम की कोई बात करे तो आप यही इक्वेशन से स्टार्ट करें है ना, कि एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमेशा इस फॉर्म में है ना, कि एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो हमेशा आपके इस तरह से, भाई दो चीजें आपने बोला कि भाई एसएचएम की जो मेन कंडीशन है दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर वो एसएचएम नहीं, इसी से आपका ये आ गया ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हाँ, इसी से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली, बी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, और इसी का सॉल्यूशन होता है एक्स एज ए फंक्शन होता है ए साइन ओमेगा टी, और इसमें अगर किसी भी मीन से आपको ओमेगा पता चल गया तो हम एस टाइम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/2 का हम टाइम पीरियड क्या निकाल लेंगे 2π/2 कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा सा उसको ट्राई करो। Okay, you can go for this question. फिर ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा नहीं अभी इसको नहीं पढ़ कर सकते आप, सॉरी।
वेट फॉर सम टाइम, इसको अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैं अभी पहले ग्राफ बता दूं, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ये अभी आपने पढ़ा रही हूँ। जब कुछ नहीं है, अब हम यहाँ पे जाते हैं, कुछ ग्राफ्स पढ़ते हैं, है ना भाई। वी कॉल इट एज अ ग्राफिकल एनालिसिस, कि भाई एसएचएम में, है ना, कुछ आपको कंसेप्चुअल ग्राफ आने चाहिए, है ना। जैसे आपने काइनेटिक्स में ग्राफ पढ़ा था, वैसे यहाँ भी ग्राफ होगा। अगर एसएचएम कोई मोशन है तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ हो सकता है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ हो सकता है। तो हम ग्राफ पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी ग्राफ। तो सबसे पहला जो हम ग्राफ पढ़ते हैं ना, वी स्टडी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ आप पढ़ोगे तो पहले इनिशियल फेज डिसाइड करना होगा। मैंने इनिशियल फेज जीरो ले लिया, आप कुछ भी ले सकते थे। इनिशियल फेज जीरो होगा तो एक एसएचएम की इक्वेशन इस फॉर्म में पी साइन ओमेगा। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम पे ग्राफ साइन का कर्व हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो साइन का कर्व हो जाएगा। तो साइन कर्व मतलब जस्ट ऐसा हो गया कि इसका ग्राफ आ गया ऐसे, है ना। डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं टाइम के साथ ग्राफ ना हो तो एक साइन का कर्व आ गया, है ना। ये आपको पता है कि इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो गया और ये इसका क्या हो गया, माइनस एम्पलीट्यूड। एक साइकिल जो होगी वो ये हो जाएगी, दिस इज द वन साइकिल, है ना। सेम साइकिल तो बार बार रिपीट हो, तो ये जो टाइम होगा इसी को हम टाइम दे, टाइम होगा जिसके के बाद अपने आप को ये रिपीट करेगी, उसी को हम क्या बोल सकते हैं आपका टाइम पीरियड। ये जो टाइम होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद एक्स की वैल्यू अनचेंज रहेगी ना। अगर मैं बोलूँ किसी भी टाइम पे यहाँ पे है, अगर इस टाइम पे मैं कैपिटल टी लिख दूं तो एक्स की वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि ए साइन ओमेगा टी है, सेम एक्स पे आ जाएगा। अगर इसमें मैं ए टाइम में एक आपका टाइम पीरियड प्लस कर दूं, एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, कहीं भी होगा, जीरो पे था तो एक टाइम पीरियड के बाद फिर से जीरो पे आ जाएगा, ए पे था तो एक टाइम पीरियड के बाद फिर से ए पे आ जाएगा। मतलब जो एक्स किसी स्मॉल टी टाइम पे था उसी में कैपिटल टी ऐड करेंगे तो सेम एक्स हो जाएगा। अब आप फिर से ध्यान दो, कोई भी साइन फंक्शन अपने आप को कितने एंगल के बाद रिपीट करता है, 2π एंगल के बाद, 2π सर। साइन फंक्शन अपने आप को कितने एंगल के बाद रिपीट करता है, 2π के बाद। यहां से आप देख लो, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहां पे ओमेगा टी और ओमेगा टी तो सेम है, ओमेगा इनटू कैपिटल टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2π के इक्वल, 2π, है ना। यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आती है, ये एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, एसएचएम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/ओमेगा। तो ये तो मैंने एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताया, अगर मुझे v as a function of time बनाना है, कि velocity as a function of time क्या, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। कि पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी, जैसे कि आपकी चेंज है ना। आपको पता है कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे इसकी मेन पोजिशन है ये माइनस से और ये प्लस, इसे के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर। सर ये ओमेगा टी 2π के इक्वल कैसे होगा, बेटा साइन फंक्शन अपने आप को 2π एंगल के बाद ही तो रिपीट करता है। यस सर, आप इसको ऐसा लिख दो भाई, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 2π भी लिखते हैं तो सेम चीज आ जाएगा, मतलब ये जो भी टर्म होगा वो 2π के इक्वल होगा। और जब एक्सट्रीम पे आएगा तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो, दोनों एक्सट्रीम। जब भी ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो मेन पोजीशन में चाहे राइटवर्ड जा रहा है चाहे लेफ्टवर्ड जा रहा है,
वेलोसिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम में वेलोसिटी मोमेंटली क्या हो जाएगा, रेस्ट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब वी भी चेंज हो रहा है ना, तो वी का भी टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके। अगर एक्स से मुझे वी निकालना है तो वी इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी, तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहां पे आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा। तो अगर एक्स टी ग्राफ साइन का है तो वी टी ग्राफ किसका हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। तो वी टी ग्राफ जब हम बनाएंगे वो ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा कॉस का। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वी, तो ये चीज वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना जब कॉस ओमेगा टी वन हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी ओमेगा, है ना, मतलब यहाँ पे ये ओमेगा ए हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा ए, है ना। तो हम लोग को जहां पे एक्स जीरो है मेन पोजिशन, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और जहां पे एक्स मैक्सिमम है प्लस ए वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, है ना। जहां पे एक्स जीरो है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा मेन पोजीशन पे, और जहां पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अगर ये साइन का कर्व है ये कर्व किसका हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक्स टी ग्राफ हो गया, ये आपका वी टी ग्राफ। ऐसे हम बात कर सकते हैं एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। डिफरेंशिएट कर लो, ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सके आपका डी बाई डी टी। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको पता है एक ओमेगा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा। तो जैसे ये साइन कर्व था, ये कॉस आ गया, ये माइनस साइन का कर्व, इसका जस्ट मिरर इमेज, हाँ, मतलब इसका जो मिरर इमेज होगा वो एक्सलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका ऐसा, एक्स टी का मिरर इमेज, क्योंकि आपको पता है कि ए और एक्स अपोजिट होते हैं, ए और एक्स की रिलेशन क्या होती है, अपोजिट। और ये जो ओमेगा स्क्वायर होगा ये मैक्सिमम एक्सलेशन हो जाएगा, जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम एक्सलेशन। तो ए मैक्स की वैल्यू जो होगी वो ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो ओमेगा स्क्वायर ए है ये एक्सलेशन की मैक्सिमम है। तो जब भी कोई पार्टिकल एक्सलेशन परफॉर्म करता है तो इसकी वेलोसिटी एंड एक्सलेशन दोनों वेरिएबल, मतलब इसमें हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स जैसे चीज यूज नहीं कर सकते क्योंकि ए वेरिएबल है ना। तो आप इस बात है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ साइन है, ये कॉस से वेरी कर रहा है और ये किससे वेरी कर रहा है, माइनस से। तो इसका सम निकाल सकते हैं, जब x की वैल्यू प्लस ए होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, है ना, लेकिन उस टाइम एक्सलेशन जीरो नहीं होगा, एक्सलेशन की वैल्यू जो होगी माइनस होने की, माइनस का मतलब है कि जब ये प्लस ए पे होगा तो वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सलेशन लेफ्ट पर एक्ट कर रहा होगा, माइनस का मतलब मैक्सिमम एक्सलेशन होगा एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, जितनी ज्यादा स्प्रिंग खींची होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा तो एक्सलेशन की वैल्यू भी इतनी क्या होगी, सकते आपकी ज्यादा होगी, पर एक्सलेशन हमेशा किस तरह होंगे, टुवर्ड्स द मीन, है ना। तो ये जस्ट हमने थ्री ग्राफ्स को, यस कोई पता नहीं और भी ग्राफ में जैसे ग्राफिकल एनालिसिस काफी तो वी मैक्स की वैल्यू ये होती है, ए मैक्स की वैल्यू ये होती है। तो ये तो मैंने सारे जो ग्राफ बनाए हैं ना वो टाइम के साथ बनाए, ये जो सारे ग्राफ मैंने बनाए हैं किसके साथ बनाए हैं, टाइम के साथ, है ना। ये ध्यान रखना कि टाइम के साथ साइन कॉस या माइनस साइन, अगर मैं इसी में आपसे पूछूं
कि एक्सलेशन का एक्स के साथ ग्राफ कैसा हो, कि कोई पार्टिकल अगर एस टी परफॉर्म कर रहा है तो एक्सलेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा, दिस इज द फोर्थ ग्राफ, कि एक्सलेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो क्या कोई मुझे हिंट दे सकता है कैसा ग्राफ होना चाहिए ए का एक्स के साथ, एक्सलेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ कैसा होगा ए एक्स ग्राफ? जैसे ए का टाइम के साथ तो माइनस का और साइन का हो गया, वो उसने निकाल लिया है, ए का एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख लो ना भाई, ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही तो होता है, तो माइनस तो ए कांस्टेंट है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स ही तो हो गया। तो ये ग्राफ जो होगा ये वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये ग्राफ जो होगा एक आपका नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस स्लोप नेगेटिव है ना, तो ये आपका ऐसा होगा ना कि भाई मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू प्लस से होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जब एक्स की वैल्यू माइनस ए होगी ये जो चीज होगा वो प्लस होगा। जो ग्राफ है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन आपका, जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा आपका स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही इसमें एक फिफ्थ ग्राफ होता है वेलोसिटी का एक्स के साथ, वेलोसिटी वर्सेस एक्स, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो हर एक्स का वेलोसिटी अलग अलग है, तो वी और एक्स का ग्राफ कैसा होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और एक्स का रिलेशन पता है तो वी एक्स का रिलेशन हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेट कर, ए से वी निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करें, तो ए की वैल्यू आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ए की जगह पे हम पुट कर सकते हैं v into d by dx is equal to minus omega square x, यहां से v into dv की वैल्यू क्या आ जाएगी minus omega square x into dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो जब x की वैल्यू जीरो होगी उस टाइम वेलोसिटी जीरो नहीं होती, जहां पे x की वैल्यू जीरो होती है वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी ओमेगा ए होगा, और किसी भी एक्स पे आपको भी निकालना है, ये पर्पस है, जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है वेलोसिटी ओमेगा ही होगी, किसी भी एक्स पे आपको क्या निकालना है वी निकालना, यहां से वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं, तो वी की वैल्यू जो होगी वो उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये आपका पैराबोला तो नहीं बनेगा है ना, पैराबोला नहीं बनना चाहिए, हाँ इलिप्टिकल ग्राफ होता है, इलिप्स का ग्राफ होता है, ये इक्वेशन एक्चुअली इलिप्स की है ना, ग्राफ जो होता है वो किसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, जैसे कि आपका इलिप्टिकल, आप चेक कर लो इलिप्स की ग्राफ हो जाएगा ये, आप थोड़ा सा इसको रिशफल कर दो है ना, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, इसी इक्वेशन को स्क्वायर कर दो मैं पूरे को, हाँ कि पूरे को मैं क्या करता हूँ वैसे कि आपको स्क्वायर कर, तो ये आपका आ जाएगा v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, पूरे को स्क्वायर कर दिया और पूरे को ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, ये एलिप्स की इक्वेशन तो होती है ना, एलिप्स की इक्वेशन से फॉर्म होती है, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी सर, ये आपके एलिप्स ना, तो इसका ग्राफ इलेप्टिकल v और x का ग्राफ अगर हम देखें, जैसे a और x का तो स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर, लेकिन आपने इसको इंटीग्रेट करके v एज अ फंक्शन ऑफ x लेके आया और उसको थोड़ा सा रिशफल करा तो इस तरह से फॉर्म आया y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, ये एलिप्स का इक्वेशन है, मतलब इसका ग्राफ आपका ऐसा होगा, बाकी साइकिल हम नहीं बनाते हैं, जहां पे x की वैल्यू प्लस ए होगी वेलोसिटी जीरो होता है, जहां माइनस ए होगी वहां वेलोसिटी जीरो, और जब मीन पोजीशन की बात करेंगे जहां पे x जीरो है वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा है, यहां से आ जाएगा x की वैल्यू प्लस ए वेलोसिटी जीरो, x की वैल्यू माइनस ए तो भी वेलोसिटी जीरो, और x की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम, इसका ग्राफ जो होता है वो एलिप्स होता है, उस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं, तो ये थोड़ा सा रिलेशन ध्यान रखते हैं, इस फॉर्म में भले आप ध्यान मत रखो, आप इस फॉर्म में ध्यान, वैसे इसको भी स्क्वायर करके ऐड करके आ जाता है, ध्यान को इन दोनों को ऐड करोगे वही चीज आ जाएगी, इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो भी वही चीज आ जाएगा, टाइम ही तो उठाना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को स्क्वायर करो और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दो तो sin स्क्वायर ओमेगा t cos ओमेगा स्क्वायर t जो होगा 1 होगा, तो वही इक्वेशन आ गया, इसको स्क्वायरिंग कुछ क्वेश्चंस ग्राफ है, क्योंकि SHM में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उसके वेरिएशन को शो कर रहे हैं टाइम और एक्स के साथ, टाइम और एक्स के साथ, सर वी की मैक्स वैल्यू क्या है, ओमेगा ए, वी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा ए, जैसे आपने कहा वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हो गया, तो जब cos ओमेगा t 1 होगा उसी टाइम तो v मैक्सिमम होगा, यस सर, तो v की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा है, ठीक है, a की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है और x की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा, तो ये हम इसको सॉल्व, इसमें अभी दो ग्राफ और हैं उसको भी कर लेते हैं, अब हम आते हैं एनर्जी के बारे में बात करते हैं, पहली बात तो अभी तक तो हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम, है ना, ये एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल इन एसएचएम, एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल इन एसएचएम, तो आपको पता है कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी दूसरी पोटेंशियल, जैसे कोई एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ये मीन पोजीशन है, ये प्लस ए है, ये आपका माइनस ए, तो कहीं भी ये होगा, मान लो किसी टी टाइम पे ये किसी एक्स पे है ना, किसी टी टाइम पे अगर ये मीन पोजीशन से एक्स पे है तो इसकी हो सकता है कुछ वेलोसिटी होगी, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसे कम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखूं ना, यहां पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो एकदम आसान है लिखना, मैं अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, सर यहां पे आप फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर रहे हो, जबकि देखो एसएचएम होगा तो कहीं कोई एनर्जी लॉस करने वाला फोर्स होगा ही नहीं, अदरवाइज वो पार्टिकल फिर एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन चीज जब भी वो कोई पार्टिकल कभी परफॉर्म करेगा जब हर तरह का फ्रिक्शन एब्सेंट, चाहे एयर फ्रिक्शन हो चाहे सॉलिड फ्रिक्शन,
अगर फ्रिक्शन आ गया तो फिर वो एसएचएम हो ही नहीं सकता, ऑसिलेशन हो सकता। फ्रिक्शन आ गया तो एनर्जी लॉस होगी तो फिर एसएचएम हो। एसएचएम के लिए कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव नेचर, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम सिंपल ले सकते हैं, अगर इसका मास एम है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम के, है ना, और वी वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल, ऐसे इसकी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने वर्क एनर्जी पढ़ ली होगी, इस किसी भी स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे एक्सचेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज, और k की जगह पे हम पुट कर सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, भाई ओमेगा रूट k / m की जगह पे तो ओमेगा स्क्वायर आपने लिखा था, तो k की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। तो कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। अब यहां पे आ गया कि अगर मुझे एनर्जी का ग्राफ अगर प्लॉट करना है, क्योंकि एनर्जी वेरिएबल है, है ना, यहां पे अगर मैं एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहूं कि भाई एनर्जी टाइम के साथ या पोजीशन के साथ कैसे वेरी करती है, तो पहले हम यहां बात करते हैं एनर्जी वर्सेस टाइम, ना, कि पहले हम इसकी बात करते हैं एनर्जी टाइम, एनर्जी वर्सेस टाइम, भाई आप ग्राफ बनाना चाहते हो एनर्जी का टाइम के साथ, लाइट से एनर्जी हो गया और ये आपका टाइम, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का अलग बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी का अलग बनाओगे। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन निकालना चाहूंगा मैं ये लिख सकता हूँ, k इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, होप यू अंडरस्टैंड, तो यहां से आपने क्या पुट कर दिया, b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, b इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी होती है, उसको आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया टाइम के साथ, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो टाइम के साथ वेरी करेगा वो कॉस स्क्वायर का ग्राफ आता है, वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, सके आपके कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो आप कैसा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ तो नेगेटिव नहीं होगा, मैक्सिमम होगा जीरो होगा फिर से मैक्सिमम होगा, है ना, और फिर से जीरो, मैक्सिमम होगा जीरो होगा, तो ये आपका सॉलिड लाइन काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ना, टाइम के साथ आपका जो ग्राफ है वो आपका ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ, तो u स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि x स्क्वायर तो अभी हमने लिखा है a sin ओमेगा, उसको यहां पे पुट कर दिया, मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ये ग्राफ cos स्क्वायर का है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो होगा वो sin स्क्वायर, sin स्क्वायर का मतलब है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, ना, उसको वेक्टर लाइन से मिलता है, यस, ना, इस तरह से सॉलिड लाइन जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, डॉटेड लाइन पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो है जब काइनेटिक मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा, एक्स जीरो पे काइनेटिक मैक्सिमम होता है। अब एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज होती है कि इन दोनों का जो सम होगा, अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी तो कोई डिसिपेटिव फ्रिक्शन जैसा फोर्स तो है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ए एंड यू को जब सम करेंगे हम यहां से आप काइनेटिक एनर्जी ले लो और यहां से आप पोटेंशियल एनर्जी ले लो, जब दोनों को सम करेंगे तो ये वाला टर्म तो वन हो जाएगा, तो ये जो चीज होगी ये कांस्टेंट, यानी ये आपका हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट, वो तो है ही, अगर कोई फ्रिक्शन जैसा टर्म नहीं है जो कि एनर्जी को डिसिपेट कर सकता है तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या रहता है, तो सॉलिड लाइन काइनेटिक एनर्जी का है, डॉटेड लाइन पोटेंशियल एनर्जी का है,
मैकेनिकल जी के ग्राफ इस तरह से स्प्लिट है, दोनों का सम जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो ये लाइन है ये मैकेनिकल जी का ग्राफ, और ये कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ये इतनी हो जाएगी, है ना। ये एनर्जी वर्सेस टाइम होता है, काइनेटिक पोटेंशियल है मैकेनिकल, है ना। ऐसे अगर मुझे ये प्लॉट करना है कि एनर्जी क्या एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा, जो नेक्स्ट ग्राफ लास्ट ग्राफ होता है, दिस इज द सिक्स्थ ग्राफ, सेवंथ ग्राफ जो होता है वो एनर्जी वर्सेस एक्स, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ वैरी कर, वो जो ग्राफ होते हैं पैराबोलिक हो। अगर एनर्जी मैं एक्स के साथ ग्राफ बनाऊ ये पैराबोलिक कर दिया, क्योंकि अभी आपने पढ़ा भाई जो यू की वैल्यू होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन पैराबोलिक है, y is equal to ax square, है ना। ये जो कर्व होगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे कि आपका पैनल, ये जो ग्राफ होगा वो आप कैसा हो, सॉरी u को हम डॉटेड से बना रहे हैं, तो डॉटेड ये डॉटेड कि जहां पे x जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जहां पे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कैसे हुई, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को सम करो, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इसको और इसको ऐड कर दो, देखो क्या करते हो, मैं इन दोनों को जब ऐड करेंगे यस सर, तो sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t और ये मान लेगा ना, तो कांस्टेंट हो जाएगा, जब प्लस से होगा एंड माइनस से, ना ये तो आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी आपने हाफ एम वी स्क्वायर तो लिखी है और वी और एक्स में अभी आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया, तो उसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये आपका आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी आपने ये रिलेशन पढ़ा ना, वी स्क्वायर क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दिए, ये भी एक पैराबोला होगा लेकिन उल्टा होगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपका ऐसा होगा, डॉटेड लाइन पोटेंशियल एनर्जी और डाउनवर्ड पैराबोला जो होगा वो काइनेटिक, और इन दोनों का सम अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इन दोनों टर्म को वो कांस्टेंट हो जाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ अगेन इससे निकल रहा है, तो सम है एनर्जी का ट्रांसफॉर्म में डिफाइन, दिस आर द सेवन में के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर कैसे थी, वो स्टार्टिंग में जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, अब स्टार्टिंग में देखो आपने ओमेगा किसकी जगह पे लिया था, अंडर रूट ऑफ के बाय एम की जगह पे तो लिया था, यस सर यस, के की जगह पे ओमेगा स्क्वायर वापस पुट कर दिया हमने, ये थोड़ा सा आज थ्योरी पढ़ ली हमने काफी कुछ, है ना, और ये इंपॉर्टेंट चीज है सच में, वो फिजिकल बोर्ड में इतना पढ़ पाना पॉसिबल, वर्चुअल बोर्ड में तो इतना हम पढ़े नहीं, उसमें काफी स्लो हो जाता है, एसएचएम की आज बेसिक्स पढ़ लिया, तो सेवन ग्राफ्स आपको थोड़े से कैसे कैसे मैंने सबको एनालाइज, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, इस चीज को आप रिवाइज करना, मैंने बोला ये कि आज की क्लास में कुछ आपके मन में आंसर्स रह गए होंगे क्वेश्चंस कि भाई ये चीज तो मुझे अभी नहीं आई, ये होती क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में आप समझ जाओगे, जब मैं इसको सर्कुलर मोशन के साथ मिक्स करूंगा ना एसएचएम को जब मैं सर्कुलर मोशन के साथ मिक्स करूंगा तो हर टर्म आपको समझ, आज थोड़ा सा मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक्स, That's all for today. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye.